आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए के तरफ से राज्यसभा के उपचुनाव का पर्चा दाखिल किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुशील मोदी जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि इससे पहले वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदन के सदस्य रह चुके हैं और वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और इस बार वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर को यह चारों सदन के सदस्य होने का जो मौका है बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये मतलब भाग्यशाली आदमी हैं जो मतलब इनको ये मौका मिल रहा है और सुशील मोदी जी का ओहदा बड़ा हो रहा है। वो मतलब कि बिहार की सेवा तो बहुत दिनों तक उन्होंने की ही और मतलब यहाँ अब वो केंद्र में जा रहे हैं और केंद्र में जाने के बाद मतलब कि यहाँ उनका ओहदा बड़ा हो जाएगा। हम जहाँ तक जानते हैं उनको, वो बिहार को कभी नहीं भूलेंगे और बिहार के लिए हर समय वो सोचेंगे, बिहार के बेहतरी के लिए वो सोचेंगे। आपको बता दें कि मतलब ये बोलते हुए नीतीश कुमार के चेहरे पर ये साफ झलक रहा था कि सुशील मोदी का कहीं ना कहीं उनको कमी खल रही है, लेकिन मतलब कि उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो सुशील मोदी को बधाई दिए और कहे कि हाँ सुशील मोदी जी हर समय हमारे करीब हैं और करीब बने रहेंगे, उनके दिल में बिहार बसता है और बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। सब हम लोगों का पूरा सहयोग है, हम तो बधाई देने के लिए आए हैं। उन्होंने बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, चारों तीन सदन के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम लोगों की खुशी होगी। आज इनका मोदी चले बिहार और बिहार सरकार नहीं, हम लोग तो साथ एकदम नहीं सुन रहा, तो इच्छा थी सबको जाहिर है, ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में उनको ले जाना चाहते हैं तो और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहे, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों ने पूरे एनडीए गठबंधन के चारों दलों ने पूरे तौर पर इनका ये निर्वाचित होने वाले हैं और सब लोगों को इनके प्रति बधाई। सर इनको जिम्मेवारी मिलेगी क्या उनको लगता है बिहार को लाभ मिलेगा? आपको और आपके आदमी जा रहे हैं, मित्र जा रहे हैं, केंद्र सरकार का लाभ तो बिहार को मिल ही रहा और मिलेगा। सर एक विक्ट्री, सर 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 एक विक्ट्री, सर मोदी जी एक विक्ट्री। एलसीडी आ रहा है, चेक कर ले रहे माइक। विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेजिडेंशियल स्कूल, सीबीएसई अफिलेटेड, आईएसओ 9001 सर्टिफाइड, प्लस टू लेवल बॉयज स्कूल, प्लस टू साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org। May your life be full of stories. The plush new SUV 500.